वार्ड में विकास कार्य नहीं होने पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्षद ने नगर परिषद प्रतिपक्ष नेता हकीम भाई के नेतृत्व में नगर परिषद आयुक्त ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया। नगर परिषद प्रतिपक्ष नेता हकीम भाई ने कहा कि वार्ड में विकास कार्य नहीं हो रहे, पिछले कई महीनों से किसी भी तरह का वार्डों में काम नहीं हो रहा है। पूर्व में हमने इसको लेकर जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा था। हकीम भाई ने ये भी कहा कि कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी हमें चक्कर काटने पड़ रहे हैं और विकास कार्य नहीं हो रहा है। पार्षद संतोष सिंह बाजवा, दिलीप ओड और रमेश चावला ने भी आरोप लगाते हुए कहा कि शहर में विकास कार्य ठप पड़ा है और चारों ओर गंदगी गंदगी सटी हुई है। वार्ड में कच्ची सड़कें होने से उड़ती धूल से मोहल्ले वासियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर इसी तरह चलता रहा तो आने वाले चुनाव में पार्षद कैसे जीत पाएंगे। उसके बाद आयुक्त अभिलाषा सिंह ने यह भी कहा कि जल्द ही शहर में विकास कार्य करवाएंगे। धरने पर पार्षद संतोष सिंह बाजवा, बाबूलाल आर्य, माफी ताली वाली, नेत्र मेवाड़ा, रमेश बांजारा, लीला देवी, कांग्रेसी पार्षद मौजूद रहे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी की, उनके कुछ डिमांड थे कि डिमांड कार्यों को लेकर कि विकास कार्य वार्डों में नहीं हो पा रहे, तो नगर परिषद की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से काम रुके हुए थे और जनहित को ध्यान में रखते हुए, नगर परिषद की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए एम्पावर्ड कमेटी में कल निर्णय लिया जाएगा वार्ड वाइज हम कितने अमाउंट के काम करा पाएंगे और उनको बता भी दिया गया है कि निर्णय के अनुपालना में वो अपने अपने वार्डों के प्रस्ताव हमें प्रस्तुत करेंगे और फिर टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कब तक हो जाएगा? जैसे नहर पर भी अभी थोड़ा निर्माण कार्य आपने जॉइनिंग के बाद में कहा था, मैं प्रतिदिन मॉनिटरिंग करूंगी और शीघ्र ये कार्य पूरा हो जाएगा, लेकिन वहाँ की जनता को राहत नहीं मिल पाई। आप नया गांव रोड की बात कर रहे हैं सर? नया गांव रोड पे पीएचडी की लाइन शिफ्टिंग और लीकेज की वजह से काम काफ़ी लंबे टाइम तक रुका रहा या शुरू हुआ और बीच बीच में हमें बंद करना पड़ा। आज मैंने फिर से विजिट किया, फाइनल जो कोर्ट है वो कल तक कंप्लीट हो जाएगा, कल इवनिंग तक, और पुलिया का काम भी उन्होंने चालू करवा दिया है। अभी हाल ही में जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की थी यहाँ पे, तो नगर परिषद जो है, नगर परिषद की भूमि पर जो कब्जे हुए हैं भू माफिया द्वारा, तो नगर परिषद भी क्या गंभीर है उन अतिक्रमणों को हटाने के लिए? कहाँ की बात कर रहे हैं? ये मामा नाड़ी है, कई स्थान है, नगर परिषद के संज्ञान में है ये, और जल मुझसे बात कर रहे हैं तो मुझे ही बताएं ना कौन सा जगह का। मामा नाड़ी के पास में अतिक्रमण हुआ हुआ है, आपके पूर्व जो सभापति हैं मूल सिंह जी भाटी, उन्होंने लिखित में शिकायत की हुई है। उसके अलावा भी कई जगह है, जोधपुर रोड है जो पुराना चुंग इलाका था, वहाँ पर सरकार ये मामले मेरे संज्ञान में अभी नहीं है ऑफिशियली, और मैं दिखवा लूँगी और जो भी नियमानुसार कार्रवाई हो सकती है वो करवाई जाएगी।